चलो, सल विस्टार टूडे आर यू रड़े आर यू रड़े आज जाओ रे बाबा अरे चंपो प्रीतम प्यारे। सही <laughs> सही है, सही है। चंपो प्रीतम प्यारे वेलकम है बात है एक्सिलेंट एक्सिलेंट रड़ी 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 ओह माय गॉड

द एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक एंड सर्फेस टेंशन इफेक्ट सिंपल अगर अगर कोई भी इलेक्ट्रिकल इफेक्ट नहीं है इफ़ेक्ट नहीं है क्या बोलना चाह रहा हूं ध्यान से सुनना बेटा वेसिक डेफिनेशन द बेसिक डेफिनेशन इज यलेक्ट्रिकल वर्क आ रहे चंपो yes your electrical work will be zero your soft work will be zero for simple compressible system so anyone in the class can tell me what was that work interaction various work interaction i told you i told you electrical work i told you soft work and i told you displacement work so if i'm having simple compressible system

स वर्क इंट्रैक्शन विल भी टू डिस्प्लेसमेंट वर्क वेरी गुड यह आपका थोड़ा सा आइडिया भी होगा मैंने फर्स्ट लॉफ थर्मुला में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया अभी थोड़ा सा डिस्क्राइब करके लिख दिया है नाउ लिसन केयरफुलट एनी वन इन द क्लास व स्टेट पॉस्टुलेट बेटा कोई मुझे बता सकता है एनी वन एनी वन

स्टेट ऑफ अ सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम व्हाट इज सिंपल कंप्रेसिबल सिस्टम वो एक ऐसा सिस्टम है जहां पर इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इफेक्ट्स नहीं है सरफेस टेंशन के इफेक्ट्स नहीं है द स्टेट ऑफ अ सिस्टम कैन बी डिफाइंड बाय टू इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज अब देखना बेटा ध्यान से यहां पर बेहतरीन वर्ड यूज हो रहा है वन ब्यूटिफुल वर्ड इज गेटिंग यूज इंडिपेंडेंट इंटेन्सिव प्रॉपर्टीज नाउ लिसन केयरफुली यार एक चीज ईमानदारी से बताऊं ईमानदारी से ऑनेस्टली ये तो मुझे समझ में आ गया इंटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टी च इज इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटेंट इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटेंट इन ब्रैकेट साइज यस करेक्ट बिल्कुल सही है यस हंड्रेड परसेंट इट्स करेक्ट लेकिन मेरे को ना एक डाउट ये आ रहा है लेकिन मेरे को एक डाउट ये आ रहा है वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इंडिपेंडेंट यहां पर what is the meaning of independent word here are you getting what i'm saying are you getting what i'm saying are Omkar, welcome here baba oh ho oh, oh, ho oh, oh, what a class what a class what a class now i hope each and everyone is clear are baba what is my doubt my doubt is

वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वट इज द मीनिंग ऑफ दिस किसी को पता है इसका मतलब क्या होगा बेटा एनी वन नोज आई नो द मीनिंग ऑफ इंटेंसिप प्रॉपर्टी पाइन बट वीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट इंटेंसिप प्रॉपर्टी चलो आप देख लेते हैं बेटा चलो देख लेते हैं ध्यान से देखना बेटा आई विल ट्राई टू रिप्रेजेंट वन टी एस डायग्राम है ना एक बढ़िया सा टी एस डायग्राम बनाता हूं आपके लिए मस्त वाला बेहतरीन अब देखो ध्यान से लेट सपोज हेयर आई एम कीपिंग टेम्परेचर सपोज हेयर आई एम कीपिंग स्पेसिफिक एंट्रोपी सो यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड डोम कुछ ऐसा दिखा देता है चलो इस पर मैं आईसो बार भी बना देता हूं आई विल ट्राई टू रिप्रेजेंट आईसो बार्सो आइसोबार, बार आईसो बार चलो ऐसे बनाते हैं आर यू एबल टू सी द ब्यूटफुल आइसोबार? बार ओहो हो हो यस क्या ही तो आइसोबार बार है रे बाबा क्या ही तो आइसोबार बार है रे बाबा हो ब्यूटफुल आईसो बार क्या आईसो बारे यार ये ये कैसे सेलेक्ट सेलेक्ट करते हैं ये होगा नहीं होगा कोई बात नहीं छोड़ दो चल मी से ऑन दिस आइसो बार प्रेजर पी वन इज कॉन्स्टेंट ऑन दिस आइसोबार बार प्रेजर पी टू इज कॉन्स्टेंट फाइन अब बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा बिल्कुल ध्यान से देखेंगे

there is no doubt pressure remains same treasure remains the same बिल्कुल सही बात है चलो एक बार आप ध्यान से देखना बेटा लेट अस सपोज म गोइंग फ्रॉम टू टू थ्री हा लड़ सपोज आई एम गोइंग फ्रॉम टू टू थ्री नम गोइंग फ्रॉम टू टू थ्री अरे अरे देखो यार एक बार ये देख लो ये देखो एक बार जब मैं एक से दो जा रहा हूं प्रेजर रिमेन सेम वट इज हैपनिंग टू टेम्परेचर ये तो मैं पूछना ही भूलगी आपसे चंपू के चक्कर में ये तो पूछना टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग ना टेम्परेचर इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस फाइन नाउ लेट मी टॉक अबाउट दिस टू टू थ्री दो से तीन की बात करते हैं बेटा इफ आई एम गोइंग फ्रॉम टू टू थ्री टल लाइन ना हॉरिजोंटल लाइन हॉरिजोंटल लाइन आई थिंक गुड इवनिंग गुड इवनिंग फ्रॉम टू टू थ्री हंड्रेड परसेंट टेम्परेचर रिमेन सेम बट वट इज है आई एम मूविंग फ्रॉम पी वन टू पी टू लाइन अफकोर्स ये तो आपको समझ में आ गया होगा यू मस्ट बी एबल टू अंडरस्टैंड पी टू इज ग्रेटर देन पी वन So, when I am moving from 2 to 3, 100% I can write, 100% I can write, temperature remains same, temperature remains same, and there is no doubt pressure increases.

In this vapor region, can I say in this vapor region, if I want, if I want, I can keep pressure constant and I can increase temperature. If I want, I can keep temperature constant and I can increase pressure. So, can I say in this vapor region, I can change? Listen carefully. Or Listen carefully. Can I say in this vapor region, if I want, if I want, I can change pressure and temperature independently? Independently change. Kar kya can I say in this vapor region? In this vapor region, if I want, I can change pressure and temperature independently. Yes, very good. Excellent, excellent, excellent. In this vapor region, if I want, I can change pressure and temperature independently. That means 100% pressure and temperature. Pressure and temperature are, are independent properties. are independent properties. and of course they are intensive. so independent intensive properties i hope each and everyone is clear till here. i the bowling i i hope each and every one is clear till here. Hai na?

I'm talking about this region. Now listen carefully. Listen carefully. बिल्कुल ध्यान से देखेंगे बेटा मजा आने वाला है लेट अस सपोज आई एम हैविंग स्टेट फोर हेयर एंड लेट अस सपोज आई एम मूविंग फ्रॉम स्टेट फोर टू स्टेट फाइव कुछ इस तरीके से ना माय फ्रेंड्स तो फिर आई आस्क यू वन क्वेश्चन कैन आई से स्टेट फोर इज इन लिक्विड पेज यस ऑफ कॉर्स अब मैं बात नहीं कर रहा हूँ सब कूल लिक्विड सब मैं नहीं जा रहा हूँ क्योंकि वो मैंने अभी पढ़ा ही नहीं बट मैं सिंपल वर्ड्स में बोल सकता हूँ वी आर इन लिक्विड रीजन ये लिक्वि�

जर रिमेन सेम बट टेम्परेचर इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस बिल्कुल सही बात है बेटा हंड्रेड परसेंट देर इज नो डाउट हंड्रेड परसेंट देर इज नो डाउट अब ध्यान से देखना लेटस सपोज आई एम मूविंग फ्रॉम स्टेट फाइव टू स्टेट सिक्स मान लीजिए स्टेट फाइव से मैं स्टेट सिक्स पर आ गया लेट सपोज फ्रॉम स्टेट फाइव आई एम कमिंग टू स्टेट सिक्स योर ऑब्जर्वेशन व्हेन आई एम कमिंग फ्रॉम स्टेट फाइव टू स्टेट सिक्स हंड्रेड परसेंट टेम्परेचर रिमेन सेम टेम्परेचर तो सेम है टेम्परेचर तो सेम है वट इज है इंक्रीजेस देखना बेटा अब हाँ ध्यान से स्टेट फाइव टू स्टेट सिक्स टेम्परेचर रिमेन्स सेम बट हंड्रेड परसेंट प्रेजर इंक्रीजेस ये बात हो रही है बेटा लिक्विड रीजन की वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लिक्विड रीजन हम लोग ये जो लिक्विड रीजन है इसकी बात कर रहे हैं अरे चंपा दिस इज लिक्विड लिखा सॉरी लिखा नहीं है ले लिख दिया लिख दिया रे बाबा बस नाउ हैप्पी चंपू इज हैप्पी नाउ फाइन फाइन अब बेटा आप एक चीज ऑब्जर्व करना कि आपको ये चीज समझ में आ रही है आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट इन दिस लिक्विड रीजन आल्सो

बेटा जिन भी लोगों को नोट्स की प्रॉब्लम होती है सर आपके क्लास के नोट्स कहां पे मिलेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नेगीटें टेलीग्राम चैनल का लिंक है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना आपको वहां पे लिंक मिल जाएगा उस पर क्लिक करो नेगीटें टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो है ना तो यार एक चीज बताओ कैन आई से विद हंड्रेड कॉन्फिडेंस इन दिस लिक्विड रीजन can i say with 100% confidence in this liquid reason pressure and temperature pressure and the temperature are independent intensive properties जल्दी से कंफर्म कर देंगे बेटा है ना यहां तक क्लियर है ना बेटा मैं आपके सारे डाउट्स लेने वाला हूं डोंट वरी आपके अभी क्लास से हटकर जितने भी डाउट्स आपसे पूरी बातचीत करूंगा आपके सारे डाउट्स लूंगा डोंट वरी चलो फिलहाल जो टॉपिक चला उस पर फोकस करते हैं नाउ ये, हा, ये मेरी कब से नजर थी इस पर ये जा रहा है जा ही नहीं रहा अभी चला गया ना अब बढ़िया है नाउ लेट अस कम टू दिस लिक्विड प्लस वेपर रीजन अब ध्यान से देखेंगे बेटा कौन सा कलर लिया जाए चलो चंपू को चंपू को ये वाला कलर पसंद है सपोज दिस इज स्टेट सेवन एंड लेट अस सपोज आई एम मूविंग फ्रॉम स्टेट सेवन टू स्टेट एट नाउ लुक एट हियर लुक एट हियर

Pressure is not changing. Pressure was P1 at state 7. Pressure is P1 at state 8 also. Pressure remains same. What is happening to temperature? 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 What is happening to temperature ka beta. टेम्परेचर का बताइए क्या हो रहा है वट इज हैपनिंग टू टेम्परेचर चलो अभी ठीक होगा टेम्परेचर का बताओ टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन देखना बेटा ध्यान से अब नाउ लुक एट हियर आई एम टॉकिंग अबाउट लिक्विड प्लस वेपर रीजन किसकी बात कर रहा हूं मैं लिक्विड प्लस वेपर रीजन की बात कर रहा हूं ना लुक एट हियर व्हेन आई एम मूविंग फ्रॉम स्टेट सेवन टू स्टेट एट प्रेजर रिमेन सेम जर रिमेन सेम टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन सेम ठीक है जैसा आपने बोला मैंने वैसा लिख दिया ना लड़ सपोज वी आर गोइंग फ्रॉम स्टेट एट टू स्टेट नाइन सपोज वी आर गोइंग फ्रॉम स्टेट एट टू स्टेट नाइन नाउ व्हेन वी आर गोइंग, व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट नाइन व्हाट इज हैपनिंग बेटा? जब हम स्टेट आठ से स्टेट नौ पर जा रहे हैं क्या हो रहा है व्हेन वी आर गोइंग फ्रॉम स्टेट एट टू स्टेट नाइन यस यस नीरज वेरी गुड कार्तिक है आपसे बेटा छा गए गो When I'm going from state 8 to state 9 100% Pressure increases Pressure increase what was happening to temperature temperature also increases temperature also increases टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है कलर कॉम्बिनेशन चेंज नहीं होना है रे बाबा इसको कर दो इरेज और ले लो पिंक कलर अब बताओ अब बताओ वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्या मतलब है इसका व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बट इसका क्या मतलब हुआ कि प्रेजर ने बोला मैं कॉन्स्टेंट तो टेम्परेचर ने बोला मैं भी कॉन्स्टेंट प्रेजर ने बोला मैं इंक्रीज टेम्परेचर भी बोल रहा है मैं भी इंक्रीज आर सही है सही है That means here pressure and temperature. That means here pressure and temperature are dependent. इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ये कंफर्म कर दो बेटा यस yes. इसका मतलब क्या होता है अब ध्यान से सुन लेना बेटा इसका मतलब क्या देखो ध्यान से इन दिस लिक्विड एंड वेपर इन दीज सिंगल फेज रीजन ये जो सिंगल फेज के रीजन है इन दीज सिंगल फेज रीजन वट इज हैपनिंग एंड टेम्परेचर आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज चंपू और चंपी का रिलेशन तो है चंपू और चंपी का रिलेशन तो है लेकिन उतना तगड़ा रिलेशन नहीं है जस्ट देआर इन रिलेशन बट रेडी टू मूव रेडी टू मूव जैसे ही चंपू को बेटर ऑप्शन मिला डंपी मिल गई छोड़कर चला गया चंपी को बेटर ऑप्शन मिला डंपू मिल गया छोड़ के चली गई दे आर इन रिलेशन बट इंडिपेंडेंटली दे आर इंडिपेंडेंटली यस दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है यस दे आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बट इंडिपेंडेंट है बेटर ऑप्शन मिला चले जाओ बट इन दिस टू फेज रीजन चंपू बोला मैं मर जाऊंगा लेकिन तुझको छोड़ के नहीं जाऊंगा चंपी बोली मैं मर जाऊंगी लेकिन छोड़ के नहीं जाऊंगी एक ही जगह पर रहेंगे बूढ़े हो जाएंगे साथ रहेंगे बूढ़े हो जाएंगे साथ रहेंगे चंपू बोला मैं चेंज नहीं होता चंपी बोली मैं भी चेंज दूंगी चंपू बोला मैं अपना स्टैंडर्ड बढ़ा लूंगा चंपी बोली मैं भी स्टैंडर्ड बढ़ा लूंगी लेकिन साथ में रहेंगे यस आई होप एवरी वन इज क्लियर आई होप एवरी वन इज क्लियर वट इज द मीनिंग ऑफ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज चलो अब एक चीज और दिखाता हूं आपको एक चीज और दिखाता हूं चलो ये भी दिखाता हूं आपको मान लो i am having a state 10 here let us suppose i am having a state 11 here kitne logo ko ye pata hai beta waise to main bataunga future mein state 10 is a saturated liquid state state 10 is a saturated liquid state State इलेवन is saturated vapor state. मान लो मैं टेन से इलेवन गया चलो ये भी डिस्कस करता हूं ये भी डिस्कस करता हूं लेट सपोज वी आर मूविंग फ्रॉम स्टेट टेन टू स्टेट इलेवन मान लीजिए स्टेट टेन से स्टेट इलेवन मूव कर रहे हैं दैट मीन अस सपोज वी आर मूविंग फ्रॉम सैचुरेटेड लिक्विड स्टेट टू सैचुरेटेड वेपर स्टेट मैं आपको थोड़ा और फील देता हूं बेटा मी गिव यू लिटिल मोर फील तो आपको और अच्छा समझ में आएगा हो सकता है आपको और अच्छा समझ में आएगा देखना बेटा ध्यान से। सेटेट टेन लेट अस सपोज i'm having saturated liquid state let me say you know the pressure is p1 temperature is t1 corresponding saturation temperature is t1 now when i'm coming to state 11 i will be reaching to saturated vapor state now in this saturated vapor state pressure is same p1 temperature is t1 only तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा ध्यान से देखना सपोज दिस इज अंडर ऑब्जर्वेशन जो भी प्योर सब्सटेंस है वो अंडर ऑब्जर्वेशन है लेट अस सपोज तो आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा व्हेन आई एम कमिंग व्हेन आई एम कमिंग फ्रॉम स्टेट टेन टू स्टेट इलेवन जब मैं स्टेट टेन से स्टेट इलेवन में आ रहा हूं व्हाट इज हैपनिंग टू प्रेजर बेटा

टेम्परेचर का क्या हो रहा है टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन सेम अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लू मैं आपसे क्वेश्चन ईमानदारी से आंसर देना बेटा वॉल्यूम का क्या हो रहा है वॉल्यूम का बताना वॉल्यूम का क्या हो रहा है वट इज हैपनिंग टू वॉल्यूम दिस वॉज अटेड लिक्विड स्टेट ज दैचुरेटेड वेपर स्टेट एट द सेम से वट विल बीपनिंग टू स्पेसिफिक वॉल्यूम कैन आई से हंड्रेड परसेंट स्पेसिफिक वॉल्यूम इंक्रीजिंग स्पेसिफिक वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहा होगा तो क्या मैं बोल दूर When I'm moving from state ten to state eleven, hundred percent pressure remains same pressure remains same temperature. remains the same, hundred percent, specific volume increases. तो so, यार अगर मैं यहां से देखना चाहूं मुझे एक चीज तो पहले से पता थी दिस आई ऑलरेडी नो ऑलरेडी नो प्रेजर एंड टेम्परेचर आर डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज इन टू फेज रीजन बट क्या आपको एक समझ आ रही है volume, feel, क्या आपको यह फील नहीं आ रहा है प्रेजर एंड वॉल्यूम आर इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड वींग प्रेजर एंड स्पेसफिक वॉल्यूम आर इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज प्रेजर रिमेन सेम बट स्पेस वॉल्यूम इनक्रीजिंग वॉल्यूम आर इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज तो बट आप कुछ बेहतरीन कंक्लूजन दे रहा हूं ध्यान से सुन लेना कुछ बेहतरीन कंक्लूजन देने वाला हूं ध्यान से सुन लेना यह पहले मैं आपके लिए लिख देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए क्या मैं बोलना चाह रहा हूं हंड्रेड परसेंट प्रेजर हंड्रेड परसेंट प्रेजर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम 100% temperature temperature and specific volume these are independent इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नाउ लिसन द कंक्लूजन केयरफुली लिसन द कंक्लूजन केयरफुल मैं आपको तीन कंक्लूजन दूंगा ध्यान से सुनना इन सिंगल फेज रीजन इन सिंगल फेज रीजन दट इज योर लिक्विड रीजन वेपर रीजन pressure and temperature are independent intensive properties in two phase region that is liquid plus vapor region pressure and temperature are dependent properties now listen to the third conclusion pressure and specific volume temperature and specific volume are always independent intensive properties now look at here look at here look at here for single phase reason that is liquid and vapor reason pressure and temperature are independent intensive properties while

आरे मज़ा 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 जम जम oh, 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 oh. yes, yes, तो होना ही है बेटा सिंगल फेज रीजन में तो होना ही अनिकेत मैंने तो यह प्रूव कर दिया कि टू फेज रीजन में प्रेजर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम टेम्परेचर एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम आर इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टी अब आप आपको एक चीज बताऊं ये सब मैंने क्यों बताया चलो मैं आपको बताता हूं बेटा मैंने आपको ये सब क्यों बताया उसका रीजन मैं देता हूं आपको है ना बेहतरीन तरीके से देखेंगे Chalo, hai. Ab can i write can i write small u is the function of temperature comma specific volume yes i can write yes i can write q because of a state postulate what is state postulate is saying

Yes, you can write no problem. Yes. This is according to state postulate. Only small u is a small use the function of pressure comma special. In fact, you can write this also. In fact, if you want you can write this also. But here you are having one condition. Here you are having one condition. Yes. यस टेम्परेचर एंड प्रेशर आर इंडिपेंडेंट इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बट नॉट इन टू फेज रीजन याद रखना दिस इफ यू वांट टू राइट दिस यू हैव टू ऑब्जर्व वन थिंग हैीजन यू आर टॉकिंग अबाउट सिंगल रीजन यू आर टॉकिंग अबाउट व्हाट सिंगल पेज रीजन आप टू फेज रीजन के लिए यह चीज नहीं लिख सकते क्या सबको ये चीज समझ में आ रही है आर यू एबल टू अंडरस्टैंड वाई आई हैव रिटर्न

and of course if you want you can write in this way also no problem but again here we are having one condition single phase region not only this if you are interested you can write this also a specific entropy T comma B, B or you can write specific entropy p comma b or if you want you can write t comma p but here again you are having this thing single phase reason सब लोग क्लियर है यहां तक यहां तक क्लियर है सब अब देखो अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो पूछना मत सर कहां से आया आई विल बी यूजिंग टूमोरो कल मैं इंटरनल एनर्जी डिस्कस करूंगा तो इसको यूज करूंगा मुझसे मत पूछना सर ये कैसे लिखा याद कर लेना मैंने आपको स्टेट पॉसलेट बताया परसों मैं ये लिखूंगा मत पूछना सर कैसे लिखा डोंट आस्क मी सर हाउ डिड यू राइट बिकॉज आई ऑलरेडी एक्सप्लेन स्टेट पॉसलेट I am going to write all these things in thermodynamic relation chapter. Don't ask me how are you writing. I have explained each and everything. है ना ठीक है बिल्कुल सही है यहां तक सब लोग क्लियर हैं इट्स टाइम टू एक्सपीरियंस समथिंग ग्लोरियस अन अकेडमी Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other where you put your knowledge to test and battle it out with the best to bring out the best in you. An Academy Combat is the most competitive gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real time rankings and win big participate in every contest to improve your ratings challenging contests every fortnight or alternate sunday live ranking after every question big rewards for top rankers your passion to crack gate deserves this your hard work towards your dream deserves this fuel your inner fire for the ultimate gate challenge Unacademy academy combat register now